सच बोलूं मैं ना बड़ी जल्दी चिढ़ जाती हूँ लोगों से। मुझे पता नहीं लगता क्योंकि मेरे कई लोग कई मेरी टीम वाले बोलते हैं सर आपके सामने ऐसे हैं। ये किसी ने आपको परेशान किया तो आप उससे झगड़ा कर लो, आप चिल्ला लो, लड़ लो, झगड़ लो। जैसे मेरी फैमिली हमने दिखाई है तो मेरी फैमिली में सिर्फ एक मैं ही कॉलेज गया हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बाकी के बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं है, वो बिल्कुल देसी वैसी फैमिली है। नमस्कार दर्शकों, न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपकी होस्ट दीपिका शर्मा। देखिए एक लाइन है कि पंछी नदिया और पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। लेकिन अगर इन तीनों के साथ किसी चौथी चीज को जोड़ा जाए तो उसका नाम है मनोरंजन। और शायद यही एक वजह है कि एक फिल्म है, यूं तो पंजाबी फिल्म है, लेकिन इसके ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है दर्शकों को इतना पसंद आ रहा है। आपको पंजाबी आती है या नहीं आती, लेकिन फिल्म हनीमून के इस ट्रेलर पर अगर आप हंसे नहीं तो मैं गारंटी में कुछ नहीं लगा सकती। लेकिन मेरे साथ दो स्टार्स हैं, उनसे मज़ेदार बातें मैं आपको करवा सकती हूँ। इस फिल्म से जुड़ी कई सारी मज़ेदार बातें हम उनके साथ करेंगे। मेरे साथ हैं जैस्मीन भसीन जो डेब्यू कर रही हैं पंजाबी इंडस्ट्री में, और एक बैठे हैं सरताज स्टार गिप्पी गरेवाल साहब जिनको आप बेहद पसंद करते हैं, इतना लाड़ देते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पे। सबसे पहले तो ट्रेलर को इतना प्यार मिल रहा है और 10 मिलियन व्यूज तो ऐसे आ गए और लगातार बढ़ रहे हैं, लग रहा है आधी लड़ाई जीत ली या और प्रेशर बढ़ गया? एक्चुअली क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आधी लड़ाई वाली बात है ना, वो तो जिस दिन ट्रेलर रिलीज होता है ना जी, शुरू के 5-4 घंटों में आपको पता चल जाता है, जो लोगों का फीडबैक आता है, रिव्यूज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मतलब जो ट्रेलर देख रहा था और जो फीडबैक हमें आता है, क्योंकि बहुत से हमारे सर्कल में भी ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर फिल्में आती हैं, जब कोई चीज अच्छी नहीं आती तो किसी का फोन नहीं आता। हाँ। तो जब उनसे बात होती है वो कहते अच्छा फिल्म आ रही है, हाँ हाँ देखेंगे भाई, तो मतलब ऐसे हो जाता है, नहीं तो फोन करते भाई ये ट्रेलर मजा आ गया, मजा आ गया, मतलब तो फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं। तो एक वो फिल्म है कि मतलब जिसके लिए ट्रेलर देखते सारी सबके के फिल्म ऐसी लग रही है, फिल्म ऐसी लग रही है, वाओ कि वी आर एक्साइटेड। तो कंटेंट की मैं हमेशा जब बात करता हूँ कि पहले भी बैठे थे इंटरव्यू में कि ये प्रोडक्ट है जी, वैल्यू होती है कंटेंट की, वैल्यू होती है। हाँ उसके साथ अगर अच्छे आर्टिस्ट साथ में उसके तो उसकी और वैल्यू बढ़ जाती है। जैस्मीन आपका तो डेब्यू हो रहा है पंजाबी इंडस्ट्री में, वैसे डेब्यू नहीं कहेंगे क्योंकि आप बहुत सारे इंडस्ट्री में सब कुछ टच करके सब जगह कमाल करके आ चुकी है और पंजाबी में आप कमाल करने वाली हैं। आपको कैसे कुछ किसी का कोई किसी स्पेशल का फोन आया कि भाई छा गई तुम? मुझे सबका इनफैक्ट बॉम्बे में रहते हैं तो सब बड़े बड़े नेटवर्क्स जो हेड करते हैं सबका आगे से मुझे मैसेज, जैस्मिन दिस लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एंड यू नो इट फील्स गुड जब आपकी इंडस्ट्री के लोग आपको आगे बढ़ के बोलते हैं, बिकॉज दीज आर द पीपल जिनके साथ आप काम करने वाले हैं, आपके आगे वर्क अपॉर्चुनिटीज होने वाली है, तो आपको लगता है चलो ये आपने अच्छा किया है। हनीमून देखिए इस ट्रेलर की जो सबसे मजेदार बात है कि किसी को नहीं पता कि हनीमून क्या है, हर कोई नए जोड़े के साथ हनीमून पे निकलना चाह रहा है। बट आज का अगर हम दौर देखें, हर दूसरा बच्चा, इवन आजकल तो बच्चे बच्चे बोलने लगे कि हनीमून क्या है, आपको लगा था कि यार ये स्टोरी इतना हंसा पाएगी या ऐसे कन्विंस लोग हो पाएंगे कि यार हनीमून ही नहीं पता? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है क्योंकि टिपिकल जो आप लोग जैसे मेट्रो में रहते हो, बड़े शहर हैं तो यहाँ सबको पता है, किसी भी स्टेट में अगर हम बिल्कुल डीप आगे गांव में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं या किसी और यूपी कहीं और चले जाएं जी, तो जो वहाँ पे बिल्कुल देसी लोग रहते हैं, बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है, है ना, जैसे मेरी फैमिली हमने दिखाई है तो मेरी फैमिली में सिर्फ एक मैं ही कॉलेज गया हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बाकी के बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं है, वो बिल्कुल देसी वैसी फैमिली है, तो उनको कुछ भी नहीं पता, तो ऐसे हो जाते हैं कहते हनीमून ये क्या है, मतलब हम तो गए नहीं, तो सबके सब तैयार हो जाते हैं कि चल यार तेरे बहाने हम भी घूमेंगे, तो उनको वो लगता है। सो वैसा है, मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, लेकिन आजकल कहानियां, और मुझे लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद जितने भी अनजान लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा कि भाई कुछ भी करना हनीमून पे किसी के साथ नहीं जाना। और सबसे मज़ेदार डायलॉग इस ट्रेलर में जो आता है कि भाई वो जो आपके रिश्तेदार बोलते हैं कि आप सोचोगे कि शादी में आ गए, हनीमून पे अकेले छोड़ दिया। सो क्यूट, कोई खड़िया ही नहीं। जैस्मीन आप जैसे मैंने कहा आप साउथ इंडस्ट्री में काम कर
कर चुकी हैं, टीवी, रियलिटी शो और अब पंजाबी फिल्म। देखिए इंडस्ट्री वाइज तो कहे काम करना ही कलाकार के लिए बड़ा नॉर्मल है, लेकिन आज के अगर दौर में हम देखें ऑडियंस बहुत क्रिटिकल हो गई है, बहुत सारी चीज़ों को लेके एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, कंटेंट पे हर तरह के सवाल हो रहे हैं। ऐसे दौर में पंजाबी इंडस्ट्री के, और वो भी गिप्पी गिरेवाल के साथ आ पा रही हैं, जो खा जाते हैं स्क्रीन पे सभी को अपने अंदाज से, अपने उनके आगे कोई नहीं दिखता, ऐसे में अपनी एक जगह बनाना, आपको इतना एप्रिसिएशन मिल रहा है, कैसे देखती हैं सारी चीज़ों को? आई बिलीव कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मिलती है तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं अपना 100% दे सकती हूँ। आई कैन स्टार्ट इट विद द राइट फुट ऑन अ पॉजिटिव नोट एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि आगे ऑडियंस मुझे प्यार करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है, वो अलग बात है। मेरी आत्मा, मेरे दिल को शांति है कि मैंने जस्टिस करी जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, एंड टच वुड आई हैव बीन लकी दैट मैंने जो भी किया आज तक मुझे आगे से सबने बहुत बहुत प्यार और एक्सेप्टेंस दिया है। ये तो है, और रियलिटी शो बिग बॉस में तो हम देख ही चुके हैं कि आपको कितना प्यार दर्शकों का मिला। गिप्पी सर, पिछली बार भी जब हम आपकी यार मेरा तितलिया वर्गा की बात कर रहे थे, आज हम हनीमून पे बात कर रहे हैं, कॉमेडी फ्लेवर है और आप जाने जाते हैं कॉमेडी के लिए, क्या आपको लगता है कि कहानी कहने का ये सबसे अच्छा और आसान तरीका है, खासतौर पर आज के दौर में जहाँ वैसे ही बहुत सारी टेंशन और परेशानी है कि हंसाते हंसाते कोई सी भी घुट्टी पिला दो? मुझे क्या लगता है कि देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई भी फिल्म बनाते हैं और जो कॉमेडी हो जी, तो हम ये सोचते हैं कि यार इसमें हंसाना कितना इजी है, इस प्लॉट में पहले हम प्लॉट ढूंढते हैं, जब वो पूरा प्लॉट बन जाता है हमें लगता है कि हमने बहुत हंसा रहे हैं, तो फिर हम उस पॉइंट को ढूंढने लग जाते हैं कि अब इसमें अच्छी चीज़ क्या डल सकती है, इसमें सोशल क्या डल सकता है जी? हम इसमें मैसेज क्या निकाल सकते हैं, इसमें क्या पॉजिटिव चीज़ें निकल सकती हैं कि लोगों को सिर्फ ये ना लगे कि हम फिल्म देखने गए थे, बहुत हंसे बहुत एंजॉय किया, बट हाँ मतलब कि हंस लिए बस ओके है, तो बट लेके जाने के लिए कुछ नहीं है। तो वो चीज़ें फिर हम ढूंढते हैं। इवन इन दिस फिल्म भी जब हमने ये बनाई थी तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था जो हमने इसका क्लाइमैक्स निकाला जाए, सो मुझे लगा कि अगर बेस्ट पूछोगे मुझे लगता है कि बेस्ट वो है, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर निकल के आया वो, है ना। तो वो चीज़ें हम सोचते हैं। और दूसरा क्या है, ये 100% मैं एग्री करता हूँ कि आज की डेट में इवन आफ्टर कोविड तो बहुत ज़्यादा लोगों के मन में स्ट्रेस है, कई लोगों के काम नहीं सेट हुए, कई लोगों की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, तो पहले अगर 10 लोग फिल्म देखने जाते तो अभी सिर्फ 5 ही जाते हैं जी, जी। तो मैं सोचता हूँ कि यार रादर देन उनको कुछ ऐसा दिखाने से अच्छा है कि उनको थोड़ा हंसाया जाए, उनको हैप्पी किया जाए कि जो अच्छी फिल्में हैं कम से कम वो 2 घंटे के लिए टेंशन फ्री हों, बाहर निकले थोड़ा पॉजिटिव हों। सो वो एक मुझे लगता है शायद एक ये वजह भी है कि लोग कॉमेडी फिल्में देखते भी इसलिए ज़्यादा है, बाकी अगर कोई 100 बंदा देखने जाता है तो इसको 200 देखने जाते हैं। दरअसल एंटरटेनमेंट की एक गारंटी हो जाती है कि आपको हंसने को मिलेगा। इजीयर टू एंगेज योर ऑडियंस विद ह्यूमर एंड देन यू कैन गो टू योर मैसेज। राइट, अच्छी अच्छी तो बहुत सारी बातें होंगी, देखिए फिल्म के बारे में भी हो गई, लेकिन जब आप काम करते हैं वो भी नए लोगों के साथ, आपके लिए तो खैर पूरी फिल्में हैं ही, जैस्मीन आपकी नई एंट्री है, मैं चाहूँगी एक कुछ ऐसी कोई कमी या कोई कहते हैं ना कि एनोइंग हैबिट जो गिप्पी गिरेवाल जी की, आप यहाँ खुल के सबके सामने बताना चाहें। देखिए पीछे से वो कुछ नहीं कहेंगे मुझे वैसे भी पता है वो कुछ नहीं कहेंगे, वेरी स्वीट एंड जेनरस, बट मैं सच बोलूं मैं ना बड़ी जल्दी चिढ़ जाती हूँ लोगों से, बट टच वुड आई स्वेयर ऑन गॉड आई कैन नॉट पॉइंट, मतलब ऐसी कोई अनोइंग है कुछ भी नहीं है, कुछ भी हाउ स्वीट, विच इज अ फैक्ट। सी आप अपने को एक्टर से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो सपोर्टिंग राइट अच्छे हो, आपकी केमिस्ट्री, आपके सीन्स अच्छे से निकल के आए, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, टाइम पे आना, काम करना, हंसना बोलना, देयर वाज नथिंग, यू नो वी नेवर हैड अ डल सिंगल मोमेंट। चलिए यहाँ से तो हमें कुछ नहीं मिला, आपसे मैं चाहूंगी क्योंकि जैस्मिन के बारे में हम काफी ये बनाई गई कि हर छोटी चीज पे रो जाती है, इमोशनल हो जाती है, यहाँ तो हमें क्यूट सी हंसती हुई नजर आ रही है, ये सच में रो जाती है इतना ज्यादा? नहीं देखो वैसे तो ये जैसी है कि हंसती रहती है जी। और दूसरा क्या है कि मेरे को तो सच में, मैं बताऊं कि मैंने पहले इसके वो गाने देखे, इसकी पिक्चरें देखी, इसका फोटोज देखी, तो मुझे लगा कि यार हाँ लड़की अच्छी लग रही है, हमें मिली तो हमें बहुत अच्छी लगी, तो मेरे को तो ज़्यादा पता भी नहीं चलता, मैं सीरियसली बताऊँ तो सिर्फ जैस्मिन का नहीं और भी कई नए एक्टर आते हैं, तो मुझे कुछ तो बता दो सर एक आध
मुझे मुझे पता नहीं लगता, क्योंकि मेरे कई लोग, कई मेरी टीम वाले बोलते हैं कि सर आपके सामने ऐसे हैं। ये जैस्मिन का तो सच में ऐसा था कि जब ये शूटिंग करके भी गई ना, तो मतलब जैसे सिखा के नहीं गई होती आपके स्टाफ को, आपके लोगों को, वो बाग है जैस्मिन मैम बहुत अच्छी है जैस्मिन, इतना इसका वो होता था। बट हाँ, जो आपने रोने वाली बात कही, ये मैंने सेट पे कभी देखी नहीं रोती। तो एक दिन लंदन में हम शूट कर रहे थे, लास्ट डे ऑफ शूट था, तो शूट कर रहे थे, ऐसे कट हुआ तो मैं एक सेकंड के लिए इधर खड़ा, पता नहीं कुछ फ़ोन देख रहा, तो मैंने इधर देखा जैस्मिन रो रही है। तो मुझे कुछ हो गया, किसी ने कुछ बोला जी, तो एकदम से रो रही है। तो मैं देखा, मैं क्या, मैं पास ही था, मैं क्या, एवरीथिंग इज ओके, दो तीन कॉस्ट्यूम वाले लड़के लड़कियां सब, चार पांच लोगों का ग्रुप बना के घूम पूछे तो रो ही जा रही है। तो इतने में डायरेक्टर आए, तो मैं क्या, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला, मतलब हुआ क्या? कहते सर ठंड है। मैं क्या, ठंड तो है, हुआ क्या है, रो क्यों रही है? कहते सर ठंड है। मैं क्या, ठंड है तो काम पे, मुझे ठंड लग रही है, मैं कंट्रोल नहीं हो रही, 5 मिनट ब्रेक ले लो, कुछ ना क्या करो, किसी 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 ने आपको परेशान किया तो आप उससे झगड़ा कर लो, आप चिल्ला लो, लड़ लो, झगड़ लो, और मैं ठंड से बट आई थिंक ये बहुत क्यूट है और शायद बहुत अच्छा भी है, क्योंकि दरअसल ना लोग हम रोना ही तो भूल गए, बहुत ज्यादा हर चीज को अंदर दबा लेते हैं, बहुत होल्ड कर लेते हैं, और ये ठीक है लोग ट्रोल करते हैं, मजाक बनाते हैं, बट मुझे लगता है कि रोना बहुत जरूरी है। और स्ट्रेंथ, और मैं तो इमोशन बिल्कुल होल्ड नहीं कर सकती, मेरे फेस पे दिख जाएगा, मैं खुश हूँ, उदास हूँ, चिड़ी हुई हूँ, क्या हूँ, सब कुछ ऑन माय फेस यू कैन मेक। ये जो फिल्म है, मैंने सुना है पाकिस्तान में भी रिलीज हो रही है, और बहुत सारे लोग हैं जो पंजाबी सिनेमा को, जो हमारे हिंदुस्तान में बनता है, उसको बहुत पसंद करते हैं, तो कैसे देखते हैं आप इस चीज को, जब क्रॉस बॉर्डर हर जगह से प्यार मिलता है और हर जगह से ये फिल्म? बिल्कुल, ये एक्चुअली क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रॉस बॉर्डर पंजाबी बैठे हैं, वो भी, मतलब मैं जब उधर गया भी था, मैं जाके आया हूँ पाकिस्तान जी, मुझे कोई फर्क नहीं लगा, मतलब मुझे लगा कि यार वही है वही, बिल्कुल है ना, उन्होंने इतना प्यार किया, मतलब। और दूसरा क्या है कि हम जब ओवरसीज जाते हैं, कनाडा, अमेरिका, यूके, इवन दुबई, तो दुबई और यूके जहाँ इधर उधर, जैसे हम अभी फिल्म शूट कर रहे थे, उसमें जितने भी लोग काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग पाकिस्तानी पंजाबी थे हैं जी, वो बहुत बड़े फैन थे, पाजी हम ये गाने के बहुत फैन है, हम ये फिल्म हज़ार बार देख ली, हमने कैरी ऑन जट्टा ऐसे देखी है, वो तो क्योंकि जो आर्टिस्ट है और जो फिल्में हैं, जो म्यूजिक है, कोई बाउंड्री नहीं है ना, तो ये सब अपना है, सबका है। अब हम बहुत सी इंग्लिश फिल्म देखते हैं, हम कोरियन फिल्में देखते हैं, हम पता नहीं क्या क्या देखते हैं, है ना, तो वो हमें कौन सा पता होता है कि कौन है जी, कौन क्या है, वो प्यार है, है ना, तो वो प्यार देते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये फिल्म रिलीज हो रही है, एंड वी आर सो हैप्पी एंड एक्साइटेड के लोग इसको देखेंगे, प्यार देंगे। चलो, तो चारों तरफ और डेब्यूटेंट के लिए तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि चारों तरफ आपकी फिल्म जाएगी। और अब आप समझे कि मैंने इंट्रो में क्यों कहा था कि पंछी नदिया और पवन के झोंके और मनोरंजन, जिसको कोई सरहद नहीं रोक सकती। इतने खूबसूरत नोट पे हम ये इंटरव्यू ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन म्यूजिक नहीं हो तो कैसे मज़ा आएगा, कुछ तो सर नहीं नहीं सबका गा दिया। एक चीज मैं जरूर सीखूंगी, मुझे फटाफट बोला जाता है, दिस इज वन थिंग आई कांट ट्राई, बट मुझे लगता है सिंगिंग मुझे सिखाई दे। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना, सिंगिंग मेरा एक सिंगल रिलीज कर देंगे, सो गुड। सिंगिंग है ना, वो जितनी गले से है ना, उतने दिल से है, ये जो आप मजे से गा रहे हो, जो एंजॉय कर रहे हो, बस ठीक है।
गुरु मंत्र मिल चुका है, अब इससे ज्यादा क्या ही करें। तो देखिए, इससे ज्यादा खूबसूरत नोट पे मुझे नहीं लगता कि ये मैं इंटरव्यू खत्म कर सकती हूँ। तो यहाँ हिप्नोटाइज की बात हुई, आप भी हिप्नोटाइज होते रहिए, इस गाने को, इस फिल्म को का इंतजार कीजिए, इस गाने को सुनिए जो आज ही रिलीज हो रहा है, और न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल के साथ बने रहिए। मैं लाती रहूंगी ऐसे ही मजेदार इंटरव्यू। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।